आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता इंडियन स्टाइल। हेलो गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय चैनल। ये है मेन सामग्री व्हाइट सॉस पास्ता की। पतीले में हम पानी डालेंगे और ये है पैने पास्ता 250 ग्राम, इसको हमने पतीले में डालना है। और फिर 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला है और इसमें हमने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। और अब हम इसको घुमाएंगे जिससे पास्ता चिपके ना एक दूसरे पे, और इसको बॉईल होने देंगे। पास्ता हमारे बॉईल हो गए हैं, मैंने इनको 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल किया है। पास्ता को चेक करने का सबसे इजी तरीका, एक पास्ता लीजिए, उसको बीच में से काट दीजिए, देन उसमें एक रिंग बननी चाहिए। काटने के बाद उसको देखिए, फिर रिंग बनी है, हाँ तो ये पास्ता रेडी है। तो हमारा पास्ता भी अब रेडी है। अब हम पास्ता को छानेंगे। पास्ता को छानेंगे और इसमें हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे जिससे हमें इस पास्ता को पकने नहीं देना, मतलब ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर पास्ता चिपचिपे हो जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं होंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हो। अभी हम इंडियन स्टाइल बना रहे हैं तो हमने कढ़ाई ली है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 टेबल स्पून और इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद अब इसमें हमने डालना है 1 कप मोटे कटे हुए प्याज और इसको हमने फिर भूनना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कटे हुए लहसुन और इसको भी हम भूनेंगे अच्छे से। अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च 1 कप और गाजर 1 कप और अपने स्वीट कॉर्न 1 कप। अब इसको हम फिर अच्छे से भून लेंगे। अब सब्जियां भून रही हैं, अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और इसको हम अच्छे से भून लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई पे हमने 4 चम्मच बटर लेना है। बटर डालने के बाद उसमें हमने डालना है 4 चम्मच मैदा, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनना, इसको थोड़ा लाइट ब्राउन कर रखना है। अब मैं इसमें डालूँगा 1/2 लीटर दूध। अब इसको हमने अच्छे से मिलाना है। इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और ये आपके है चिली फ्लेक्स, ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम डालेंगे इसमें हम बनी हुई सब्जी और पास्ता। अब मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे, मैंने लिया है अमूल चीज़,
को हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे हमारा अभी पास्ता थोड़ा ठीक है, तो इस पर हम पानी भी डाल सकते हैं। अब हमारा पास्ता देखिए एकदम रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे प्लेटिंग। प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैंने पास्ता डाल दिया और ये है गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें ओरिगैनो डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें चीज़ डाला है ऊपर से और थोड़ी सी स्वीट कॉर्न। रेडी है आपका व्हाइट सॉस पास्ता इंडियन स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।